बिलासपुर में ट्रैफिक जाम होना, लंबी लाइन लगना और आम जनता को सड़क पर घंटों परेशान होना अब आम बात हो चुकी है। लापरवाह प्रशासन और अव्यवस्थित शहर में भला लोग परेशान कैसे नहीं होंगे, इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको खुद दिखा रहे हैं। यह है व्यापार बिहार मुख्य मार्ग सड़क, जहां पर कोई एक दिन नहीं बल्कि हर दिन जाम लगता है। लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कतें होती होंगी यह वही जान सकता है जो इस मुसीबत में पड़ा होगा, बाकी कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। दरअसल सड़क पर दिख रहे इस वाहनों के काफिलों को देखकर आप पल भर के लिए सोच रहे होंगे कि कोई मिनिस्टर आया होगा या कोई नेता या फिर कोई साधु महात्मा जिसके पीछे इतनी लंबी लाइन लगी है। लेकिन यह वाहनों का काफिला किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि ट्रैफिक जाम की वजह से हुआ, जो सिर्फ एक छोटा सा नमूना है, जबकि हकीकत में देखा जाए तो यहाँ पर हर दिन जाम लगता है, रोज वाहनों की लंबी लाइन लगी रहती है। ऐसा लगता है कि ट्रैफिक नाम की कोई चीज नहीं। दरअसल यहाँ के लोग, मतलब भारतीय नगर चौक के लोगों का कहना है कि सिग्नल की वजह से ज्यादा जाम लग रहा है, सिग्नल में टाइम ज्यादा दिया गया और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सिग्नल नहीं होना था जिसके कारण लोग ज्यादा परेशान हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई गाड़ी गलती से खराब हुई तो फिर मत पूछिए। इधर हर दिन होने वाले जाम को लेकर आमजनों का क्या कहना है जरा खुद सुनिए। जिनका कहना है कि जाम होने से पूरा सड़क मार्ग अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग मुसीबत में हो, इसलिए या तो सिग्नल हटाया जाए या यहाँ पर किसी ट्रैफिक जवान की ड्यूटी लगाई जाए। जाहिर है जब आप सभी यह नज़ारा देखकर खुद समझ गए होंगे कि आखिर लोग इस रोड से ज़्यादा जाना पसंद क्यों नहीं करते। हर दिन होने वाले जाम से लोग परेशान हो चुके हैं, पार्षद नगर निगम और ट्रैफिक विभाग को बोलकर थक चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ सिग्नल और सड़क बना देने से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं आ सकता, बल्कि इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना होगा, तब कहीं जाकर ट्रैफिक में सुधार आएगा और लंबे जाम से छुटकारा मिलेगा। लेकिन देखना होगा कि आखिर प्रशासन इसमें क्या करता है या फिर सब कुछ यूं ही इसी तरह चलता रहेगा। जी बताएंगे, जो भारती नगर चौक में सिग्नल लगी है उसकी टाइमिंग ज़्यादा होने के कारण काफ़ी जाम होती है रोड, क्या कहना है? देखिए, ये जो नया सिग्नल लगा है ये स्मार्ट सिटी के तहत ITMS सिस्टम है, एक जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसी के तहत ये इंस्टॉलेशन हुआ है कुछ एक वार्डों में या कुछ प्रमुख रास्तों में। ये बात सही है, भारती नगर के जो क्रॉसिंग है वहाँ का जो टाइमिंग है अत्यधिक ज़्यादा है, जिसके कारण आम जनों को, लोगों को समस्या तो है ही है, साथ में मरीज लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी की सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि एम्बुलेंस, जो क्रिटिकल पेशेंट है एम्बुलेंस को वहाँ से क्रॉस करना है और लाइफ थ्रेट है उसको ऑलरेडी, हाँ, उनका लिए एक एक सेकंड कीमती होता है। और ऐसी व्यवस्था में मुझे तो समझ में नहीं आता, या ट्रैफिक के जो DSP साहब हैं या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के अगर कोई कंट्रोलर हैं वो किस मैनेजमेंट से इसको प्रोग्राम किए हैं। मेरा कहना है उन लोगों को, आप कृपया एक सर्वे कीजिए, फील्ड में आइए, आके देखिए कितना समय रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। मेरे हिसाब से वहाँ का समय कम करिए, 20 सेकंड 15 सेकंड भी रखते हैं तो बहुत है, जिससे ये ट्रैफिक की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चल सके।